हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे क्रिस्पी बनाना चिप्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधवी और माधवीज किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे छोटी छोटी भूख के लिए ये बहुत ही टेस्टी कुरकुरे और मज़ेदार बनाना चिप्स। दो तरह के बनाना चिप्स मैं बनाने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, कुरकुरे बनते हैं और बनाना इनको बहुत ही ईजी है और झटपट 10 मिनट के अंदर आप इन्हें बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब चिप्स बाजार से खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें घर पर ही बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली और झटपट बना सकते हैं। बाजार से भी अच्छे चिप्स बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए हम झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी कुरकुरे बनाना चिप्स। बनाना चिप्स बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 4 बनाना, ये कच्चे वाले बनाना है, और इन्हें पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद इनका छिलका निकाल लेना है हमें। तो इस तरह से हम इनका छिलका निकाल लेंगे चाकू से। तो इस तरह से सारे बनाना का हम छिलका निकाल कर रख लेंगे और अब हमें इनके स्लाइसेस कट करने हैं। तो आप इन्हें चाकू से भी स्लाइस काट सकते हैं, इनके चिप्स काट सकते हैं, या फिर इस तरह का जो चिप्स कटर होता है या कद्दूकस जिसे कहते हैं, वो सारे घरों में मिल जाता है। तो इस तरह के चिप्स कटर से भी आप चिप्स काट सकते हैं, बहुत ही फाइन पतले चिप्स कटते हैं इससे, बहुत ही इजी है और आसानी से हम चिप्स बना सकते हैं इससे। तो इस तरह का अगर चिप्स कटर आपके पास है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप चिप्स काट सकते हैं बनाना के इस तरह से। तो ये देखिए, एक बनाना का चिप्स हमारा कट गया है। इसी तरह से हम एक और बनाना का चिप्स काट लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का चिप्स कटर नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि बहुत ही फाइन और पतले चिप्स आपको काटने हैं। तो ये देखिए, 2 बनाना के इतने सारे चिप्स बन गए हैं हमारे। तो सबसे पहले हम प्लेन चिप्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम कलर के लिए थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर हम डाल देंगे इस बनाना चिप्स के ऊपर और हल्दी पाउडर को अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे बनाना चिप्स में। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है, ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। तो हम एक एक करके बनाना चिप्स में डालेंगे और बनाना चिप्स आपस में चिपकते हैं, तो आप बनाना चिप्स को इस तरह से अलग अलग करके डालें। तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर हमें बनाना चिप्स को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करना, नहीं तो तुरंत हमारे बनाना चिप्स जल जाएंगे। और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से जो हमारे बनाना चिप्स हैं बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। धीरे धीरे इन्हें फ्राई होने दें। तो धीरे धीरे फ्राई होते होते ये जो बनाना चिप्स है ये बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से बनाना चिप्स फ्राई हो जाएंगे और एक खनखनाहट की आवाज़ होगी, आपको आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि हमारे चिप्स रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जो चिप्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे बन गए हैं। तो अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और इस तरह से हम टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि जो हमारे चिप्स में एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए उसमें। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनाना चिप्स बना है, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे चिप्स को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा चिप्स बनकर हमारा रेडी हुआ है, एकदम बाजार के जैसा। तो ये हमारा प्लेन चिप्स है, तो इसे हम पहले बोल में रखेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। तो आप देख सकते हैं 2 बनाना में इतने सारे चिप्स बनकर रेडी हुए हैं और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। इससे जो हमारे चिप्स है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इस तरह से ढककर हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आवाज़, बहुत ही क्रिस्पी हमारा बनाना चिप्स बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो अब हम बनाते हैं हॉट एंड स्पाइसी बनाना चिप्स। तो इसके लिए मैंने 2 बनाना के चिप्स काट कर रख लिए हैं इस तरह से। इन चिप्स को हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो उसी तरह से हम इसे एक एक करके डालेंगे ताकि जो हमारे चिप्स हैं वो आपस में चिपके ना, क्योंकि जो चिप्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। और इन्हें हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर पलट पलट करके जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे बनाना चिप्स हैं भी क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं।
तो ये बनाना चिप्स भी हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑयल से और इसे रखते हैं टिश्यू पेपर पे, ताकि जो हमारे चिप्स में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं, अभी से ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इन्हें इनमें अभी मसाले ऐड करना बाकी है, तो पहले हम सारे बनाना चिप्स को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सारे बनाना चिप्स हमने फ्राई कर लिए। अब हम बनाना चिप्स को एक बोल में लेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनाना चिप्स बने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच के करीब काला नमक और फिर से इस बोल को हम ढककर और इसे हम इस तरह से मसालों को चिप्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आवाज़ इसकी, बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए हमारे हॉट एंड स्पाइसी बनाना चिप्स बनकर रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्लेन और हॉट एंड स्पाइसी बनाना चिप्स, दो तरह के बनाना चिप्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही झटपट और 10 मिनट के अंदर ये चिप्स बन जाते हैं, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं बहुत ही कुरकुरे बने हैं। जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे तो आप इन्हें निकाल कर खा सकते हैं। बच्चों को जब भी मन करे आप उनको निकाल कर दे सकते हैं, ये बच्चों को खासकर बहुत ही पसंद आते हैं। मेहमानों के आने पर भी आप झटपट इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स और साथ में ये हेल्दी भी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे अपने कमेंट्स देकर ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।